एरिस लाइफ्स के बारे में है, और ये सवाल अपने पास भूषण जी ने भेजा है। इन्होंने पूछा है कि इस शेयर का, एरिस लाइफ का आउटलुक कैसा लग रहा है, नज़रिया कैसा बन रहा है इस पर। अभी तक तो ठीक है, लेकिन यही है कि रेस्टलेस है स्टॉक, ऐसा लग रहा है। 600 to 800 नॉन स्टॉप, बस यही एक प्रॉब्लम है। तो आपने आउटलुक पूछा है, आउटलुक अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन ओवर हीटेड तो है। अब ओवर हीटेड का मतलब ये नहीं होता कि कल करेक्शन शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो फिर आप अभी थोड़ी देर पहले जो 41 42 को कौन से स्टॉक आपने एग्जाम्पल लिया, उसका फिर से एग्जाम्पल लिया। उज्जीवन उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस। ओवर हीटेड का मतलब ये नहीं होता कि यहाँ से करेक्शन शुरू हो जाएगा। ओवर हीटेड का मतलब ये होता है मोमेंटम तब तक बना हुआ है जब तक फिजल आउट नहीं, और वो लेवल हमें फिगर आउट करने होते हैं। अभी तक वो लेवल बहुत क्लियर नहीं है एरिस लाइफ साइंसेस के केस में, जैसा क्लियर था उज्जीवन के केस में। यहाँ पे एक पार्शियल अंडरस्टैंडिंग मेरी ये है कि 750 जब तक होल्ड करेगा एरिस लाइफ साइंसेस का, इसका मोमेंटम फिजल आउट नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा अंदाजा है। क्या लेवल तो बताया आपने? 750, अच्छा जी, जब तक 750 होल्ड करेगा एरिस लाइफ साइंसेस का, तब तक बहुत ज्यादा दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट कॉशन तो 775 पे ही है। ये पिछले साल अक्टूबर में वहां पर इसने एक टॉप बनाया था। करीब करीब यस 750 पे जो बनाया था, वो जब तक होल्ड कर लेता है, एक दो दिन ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अगर होल्ड किया तो फिर ये ब्रेकआउट आपका ब्रेकआउट बना रहेगा, नहीं तो फिर अपना रिट्रेसमेंट शुरू होगा। अब 38% पे होगा कि लेकिन सिक्सटी जिस तरह पर से मैं आपसे कई बार कहता हूँ कि अब खड़ी दीवार जैसी चढ़ाई हो गई, तो उससे तो थोड़ा डर लगता है ना। मैंने शुरुआत में इसीलिए बोला रेस्टलेस है। 600 से 800, 600 क्या उसके नीचे से आप देखेंगे, लगभग फाइव साढ़े फिफ्टी पांच से, हाँ 550 से 800 प्लस, तो ऑलमोस्ट 40 45% का रन हो चुका है और कोई करेक्शन हुआ नहीं, तो 100% रिस्क है। लेकिन जब तक मोमेंटम फिजल आउट नहीं हो जाए, अब तक नहीं रुका तो अभी रुक जाएगा, इसकी गारंटी कहाँ से। तो 775 के नीचे में मोमेंटम फिजल आउट होने लगेगा और 750 के नीचे में करेक्शन होना चाहिए। अभी तो देखिए यही लगता है, जब तक ये दोनों लेवल हैं तब तक। जी चलिए, तो अब इस तरह के शेयर किस दिन वापस पलटी मारेंगे, और जिस दिन पलटी मारेंगे उस दिन वो कितनी बड़ी चोट देंगे, इसका कोई पूर्वानुमान लगाना जो है वो संभव नहीं होता है। और जो हमारे श्रोता हैं, दर्शक हैं, निवेशक गण हैं, वो चाहते हैं कि एक्सपर्ट्स को ये पता हो कि ये बिल्कुल अभी 800 पर है, तो ये 830 रुपये 50 पैसे पर जा करके वहाँ से पलट जाएगा, इतना बता सकें तो वो बताना तो शायद किसी के लिए संभव नहीं होता है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि 800 पे पलटेगा, 900 पे पलटेगा, नहीं मालूम है। लेकिन इस तरह के शेयर पलटते हैं तो फिर जिस तरह की खड़ी चढ़ाई आपको दिखती है, वैसे ही ढलान के साथ एक बार को गिरते भी हैं। और वो गिरते हैं तो कहाँ तक गिरते हैं, जैसे अभी सोमेश ने कहा कि 750 रुपये का एक लेवल दिखता है कि भाई जब तक वो नहीं टूटता है तब तक थोड़ा सा गिरेंगे तो भी वापस फिर चलेंगे। लेकिन अब ये सोचिए कि 800 रुपये का शेयर अगर 50 रुपये गिर के 750 पे भी आया तो परसेंटेज में आप जोड़ लीजिए कितना हो गया, 10% तो थोड़ा कम ही हुआ, 10% तो 80 रुपये हो जाएंगे, 50 रुपये का मतलब आप ये समझिए 6-7% के आसपास की चोट लग जाएगी, तो उतना कभी भी हो सकता है। अब कुछ समय के बाद बात करेंगे तो शायद वो लेवल 750 से बढ़ करके हो सकता है कोई और अगला लेवल बढ़ जाए, ये चलता रहेगा। या अगर इसमें कोई और कहानी बन गई 15 दिन बाद तो कुछ और भी हो सकता है। ये सारी संभावनाएं, शेयर बाजार ऐसी गतिशील चीज़ है जिसके बारे में हम अंदाज़ा लगाते हैं, लेकिन आप कहें कि नहीं भगवान की तरह से देख करके सब कुछ पहले से आप बता दीजिए, तो वैसे भगवान तो यहाँ बाजार में मिलते नहीं हैं, जो अपने आप को मानते हों या कहते हों उनसे बच के रहिएगा।